हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ शिव जी के एक अनोखे धाम पर, जहाँ पर महादेव स्वयं जज बनते हैं और सुनाते हैं अपने फैसले। यहाँ तक पहुँचने का जो गूगल मैप का रास्ता है वो कुछ इस प्रकार से है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ शिवरात्रि पर बाकायदा महादेव की अदालत लगती है। भगवान भोलेनाथ स्वयं लोगों के मामले सुनते हैं और उन पर फैसला भी सुनाते हैं। इस फैसले के खिलाफ कोई भी नहीं जाता। इतना ही नहीं, पूरा गांव और आसपास के राज्यों से आने वाले लोग भी महादेव के इस फैसले को मानते हैं। यहाँ पर है 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना स्वयंभू शिवलिंग। मंदिर से जो भी लोग बताते हैं कि यह शिवलिंग स्वयंभू है और करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर का गुर्जर समाज में बहुत महत्व है। गुर्जर समाज के लोगों में गाँव के महादेव में इतनी गहरी आस्था है कि यहाँ खाई गई कसम का कोई भी झूठा करार नहीं दे सकता। ऐसे किस्से भी हैं जिसमें यहाँ झूठी कसम खाई है और उनका हश्र बहुत बुरा हुआ है। मंदिर के पास ही स्थित है एक छोटी सी पहाड़ी, जिस पर बना हुआ है सिद्ध बाबा का स्थान। सिद्ध बाबा ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। वो इस मंदिर के चरण सेवक भी थे। इस छोटे से पहाड़ के ऊपर पहुंचकर आपको काफ़ी सारी अन्य पहाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं और शहर का भी काफ़ी सारा हिस्सा दिखाई देता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत लगता है।